वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल का जन्मदिन है आज। इटावा में धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल को केक खिलाकर उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी। पारिवारिक कलह के बाद पहली बार दोनों भाई साथ नजर आए। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया, क्योंकि रामगोपाल यादव शिवपाल यादव से बड़े हैं। थोड़ी देर में ही शिकोहाबाद में भी बर्थडे पर बड़ा कार्यक्रम होगा। शिवपाल यादव, रामगोपाल, रामगोविंद चौधरी मंच पर मौजूद हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का इंतजार हो रहा है। जन्मदिन के बहाने परिवार में एकजुटता का संदेश देने की एक कोशिश है। केक की मिठास से रिश्तों की खटास क्या दूर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और उनकी लंबी आयु हो, ये हमारी शुभकामनाएं। और इस समय देश में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बाबू से लेकर के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग इकट्ठे हैं, तो सब लोग एक महागठबंधन और आगे की रणनीति क्या? इससे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहते हैं, वही बात है।